हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। और गाइस, बहुत सारे लोग जब डिस्कश अभी जब डाइवर्ट होने लग गए थे, उसी टाइम पे एटीसी ने अपना एग्जाम डेट रिलीज कर दिया। इस यही तो खूबसूरती है एटीसी एग्जामिनेशन की, आपने देखा होगा। वेलकम टू द सेशन गाइस, अभी मैं डिस्कस करने वाला हूँ। आज जैसे जानते हो, आज की तारीख 9 फरवरी और 21 फरवरी को आपका एग्जाम डेट डिक्लेयर हो गया है। तो बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन है गाइस, बहुत सारे लोगों ने मैंने जैसा कहा था उस हिसाब से पढ़ा है। अगर आपने पढ़ा है तो भी ये सेशन आपके लिए यूजफुल होने वाला है कि आप इस 10 दिनों में क्या करोगे, और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो इस 10 दिनों में आपको कैसे पढ़ना है, ये आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होने वाला है। तो इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि गाइस, देखो ध्यान से सुनना एक बात, कि एटीसी एग्जामिनेशन, एआईएटीसी का जो एग्जामिनेशन है वो बहुत अच्छा है, राइट। अगर आपने पढ़ा हुआ है तो रिविजन कर जाओ, जैसे मैं बता रहा हूँ उस हिसाब से आपका एकदम अच्छे सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आपने नहीं पढ़ाई किया है उतने ध्यान से, तो जिस हिसाब से पढ़ रहा हूँ उस हिसाब से पढ़ते हो, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके सबके लिए ये एग्जाम जो है जल्दी हो गया है, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको 4 महीने दे दो तो भी नहीं हो पाता, राइट। तो एटीसी अपने आप में ऐसा कहता है ना कि मतलब तुम मुझे सोच कभी यही चाहत है मेरी, मतलब एटीसी कहता है तू मेरे बारे में सोच, है ना, तू मेरे बारे में सोच, तू मुझे सोच कभी यही चाहत है मेरी, मैं तुझे जान कहूँ यही हसरत है मेरी, मैं तेरे प्यार का अरमान लिए बैठा हूँ। एटीसी AI कहता है कि आपके प्यार का अरमान मैं लेके बैठा हूँ। जब लोग भटकने वाले थे ना, जब लोग भटकने वाले थे कि AI एग्जाम जो है डिले हो जाएगा क्या, तो उसी टाइम पर उन्होंने सिलेबस एग्जाम डेट रिलीज कर दिया। तू मैं तेरे प्यार का अरमान लिए बैठा हूँ, तू किसी और को चाहे कभी खुदा न करे। तो अगर आपने फॉर्म भर दिया है तो किसी और को मत चाहो। खैर ये फनी वे था, अपन लोग एक काम करते हैं, चल डिस्कशन करते हैं गाइस। देखो है क्या, अपन लोग अभी की क्लास में हम लोग मैथमेटिक्स का सिलेबस का डिस्कशन करेंगे। एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग इज गाइस, जो सबसे इम्पॉर्टेंट यूनिट एक है एटीसी के मैथमेटिक्स के सिलेबस में, वो कैलकुलस है। सेकंड नंबर पे आपका आता है अलजेब्रा, थर्ड नंबर पे आपका, मैं आपको देखो बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से बताने वाला हूँ, छोड़ना मत, राइट। थर्ड नंबर पे आता है आपका, आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स एंड वेक्टर एंड 3D। तो ये 6 यूनिट आपकी हो जाती हैं मैथमेटिक्स में, राइट। अपन लोग अब देखते हैं वन बाय वन करके कि यूनिट वन जिसको मैंने कैलकुलस नाम दिया है, इसमें क्या क्या आता है और किस तरीके से आपको पढ़ना है। तो पहला यूनिट जो आता है वो आपका स्टार्ट होता है लिमिट्स, राइट। लिमिट्स के पहले मैंने एक चीज शायद मैं मिस कर दिया हूँ, उसके आपको लिखना है फंक्शंस, मतलब इसके पहले भी आप लिख लो यहाँ पे फंक्शंस, राइट। अब देखो गाइस ध्यान से समझना, फंक्शन में आपको पढ़ना क्या क्या है, नंबर ऑफ फंक्शन पढ़ना है, नंबर ऑफ रिलेशन भी पढ़ लेना है, ए सेट, एक सेट से एक दूसरे सेट में, ऑन टू इन टू वन वन मेनी वन जरूर सॉल्व कर लेना क्वेश्चन, वन वन मेनी वन वाले, ऑन टू इन टू का उतना क्वेश्चन आ सकता है, दिखा नहीं था बट आ सकता है, पिछली बार वन वन मेनी वन के क्वेश्चन आए हुए हैं ऑन टू इन टू। देखो एटीसी का यही खासियत है कि आप ये मत रिलाई करना कि पिछली बार ये आया हुआ है तब की बार भी यही आएगा, पूरा सिलेबस आपको कवर करना है। मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से कवर करना है। फंक्शन पढ़ोगे, सबसे पहले फंक्शन में आप पढ़ोगे डोमेन रेंज निकालना, लॉग फंक्शन का स्क्वायर वाला, जैसे कि अंडर रूट 5 - x का डोमेन, राइट। इस तरह से डोमेन अंडर रूट 5 - x प्लस अंडर रूट x - 7 का डोमेन क्या होगा, है ना, x - 7 > 0, 5 - x < 0, इस तरह से आप करके निकाल लोगे जो भी है। उसके बाद डोमेन रेंज हो गया आपका, ग्राफ छोटे मोटे फंक्शन का ड्रॉ करना, मॉड्यूलस क्या होता है, राइट। बहुत डिटेल में मत चले जाना, छोटे छोटे क्वेश्चंस लगाने। लिमिट्स में आप जो है स्पेशली लिमिट्स जो है बहुत बड़े क्वेश्चंस को नहीं आता, ऐसे क्वेश्चन इनके एल हॉस्पिटल रूल लगा के सॉल्व हो जाते हैं वाले क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, बेसिक लिमिट्स, राइट। आफ्टर दैट योर कॉन्टिन्यूटी, अगर लिमिट्स आपने लगा लिया है तो कॉन्टिन्यूटी अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट हाँ थोड़ा सा ये देख लेना कि कॉन्टिन्यूटी जो है कॉन्टिन्यूस फंक्शन का नेचर कैसे होता है, राइट।
मतलब आपका LHL RHL और लिमिट की वैल्यू बराबर होती है या LHL RHL बराबर होता है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता क्या उसके बारे में देख लेना है। फिर आपको डिफरेंशिबिलिटी देखना है और वो वाली प्रॉपर्टी जरूर देख लेना कि एवरी कॉन्टिन्यूस फंक्शन इज नीड नॉट नेसेसरली बी डिफरेंशियबल, लेकिन अगर डिफरेंशियबल है तो कॉन्टिन्यूस होगा ही होगा, राइट। ये वाली जो प्रॉपर्टी होती है वो देख लेना, डिफरेंशिएशन इम्प्लिसिट फंक्शन का याद करके सॉल्व कर लेना, भूलना नहीं है बार बार से, जो एक्स की पावर वाई का डिफरेंशिएशन हो यार, इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, लॉगरिथमिक इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का डिफरेंशिएशन, ये जरूर आप सॉल्व कर लेना, राइट। नेक्स्ट आता है एओडी, एओडी में लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम जरूर पढ़ लेना, और उसके बाद मैक्सिमम मिनिमम से क्वेश्चन तो हर बार आता है, राइट। तो इसको आप छोड़ ही नहीं सकते, छोड़ने तो कुछ छोड़ने कुछ वाले नहीं हूं मैं, आपको स्पेशली स्पेशली चीजें बता रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि जो मैं बता रहा हूँ सिर्फ वही पढ़ोगे, बट इन पे अलग से ध्यान देना है। आगे बात करते हैं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में आप जो है क्वेश्चन आता है, बट ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है डेफिनेट इंटीग्रेशन, राइट। डेफिनेट इंटीग्रेशन में आप लोग प्रॉपर्टीज याद कर लेना, माइनस ए टू ए वाला, जीरो टू टू ए वाला, जब आपका एफ ऑफ टू ए माइनस एक्स बराबर एफ एक्स होता है, क्या चीजें। मेरे पास टाइम रहेगा तो मैं आपको रिवीजन सारा एक चैप्टर कैलकुलस यूनिट वन का पूरा रिवीजन करा दूंगा गाइस। मैं प्रॉमिस कोई भी चीज नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं बोल दूंगा तो कराऊंगा, बट आप जानते हो मैं खुद अभी ट्रेनिंग में हूँ तो मेरे पास उतना टाइम नहीं है, राइट। अभी आज डेट आया तो मैं किसी भी तरीके से, मैंने कहा कि ये तो बनाना बनता है क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे कॉल भी आ रहे थे। नेक्स्ट आता है एरिया अंडर द कर्व्स, जिसपे की क्वेश्चन आए हुए हैं, हाँ, लेकिन प्रीवियस ईयर पेपर जरूर मैं सॉल्व कराऊंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उसको जरूर देख लेना, ये मेरा आपसे, जैसे मैं किसी चीज प्रॉमिस नहीं करता, बट इसमें मैं आपसे वादा ले रहा हूं कि इसमें जो करोगे ना इसको आप डिफरेंट फील करोगे। प्रीवियस ईयर पेपर में सारे 2022 वाले पेपर सारे तीनों सॉल्व कराऊंगा और 21 वाले पूरे सॉल्व कराऊंगा। डिफरेंशियल इक्वेशन एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो यूनिट वन आपका जो है, यहां से मैं यहां से बोलूंगा कि यूनिट वन से आप लोग जो है 30 क्वेश्चन होते हैं, राइट, मैथ के। तो इस कैलकुलस के सेक्शन से गाइज आप मिनिमम 6 से क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। किसी ईयर में आपने 8 भी देखा होगा तो ऐसा मत समझ लेना कि 8 इस बार भी आएगा, हो सकता है 10 भी आ जाए, हो सकता है, लेकिन आप, मैं कह रहा हूँ मिनिमम 6 तो 6 आएंगे ही, राइट, इतना ध्यान रख लेना। और इसको जैसे अब 10 दिन बचा हुआ है, राइट, अब 10 दिन बचा हुआ है तो आपको दिमाग में आएगा कि सर जैसे देखो 10 दिन में क्यों कह रहा हूँ, आज 9 फरवरी है जो कि खत्म हो गई, राइट, 10 फरवरी स्टार्ट होगी, 11 है ना, 21 को एग्जाम है आपका, 12 13 14 15 16 17 18 19 20, तो टोटल आपके पास में 11 दिन है। 10 दिन मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि 10 दिन के हिसाब से हम लोग पढ़ाई करेंगे और एक दिन मैं आपको देख रहा हूँ, अपने हिसाब से सारा कुछ रिवीजन मारना है एग्जाम के पहले, है ना। तो ये चीजें आपको 10 दिन में कवर करना, और इस चीज को रिवीजन करने के लिए आप स्टार्ट हो जाओ। अगर आप मेरी वीडियो को बाद में देख रहे हो, जैसे मैं 9 फरवरी को अपलोड कर रहा हूँ, अगर बाद में देख रहे हो तो आप ध्यान रखना है कैलकुलस को 2 दिन में रिवाइज करने की कोशिश करो। ऐसा नहीं है कैलकुलस की आप, कैलकुलस तो यार 3 महीने पढ़ाते हैं, क्या 3 महीने में करोगे क्या नहीं। नेक्स्ट हमारे पास में जो यूनिट टू है, यूनिट टू है अलजेब्रा। अलजेब्रा में आपका इनइक्वालिटी एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बहुत डिटेल में इनइक्वालिटी में नहीं जाना है, वे भी करो देख लेना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, बट डिस्क्रिमिनेंट और बेसिक बेसिक जो आपके रूट्स के नेचर होते हैं, राइट, वो वाले क्वेश्चन आप देख लेना। कॉम्प्लेक्स नंबर में आयोटा के बारे में, राइट, 1 + ω + ω² वाली प्रॉपर्टी, राइट, 1 + i के बेस पे क्वेश्चन, बहुत ज्यादा डिटेल उसमें मत चले जाना nth रूट ऑफ इनफिनिटी वाले में, तो आप क्यूबिक रूट ऑफ इनफिनिटी कर लेना और बेसिक कॉम्प्लेक्स नंबर के आर्गुमेंट कैसे निकालते हैं, राइट, मॉडुलस क्या होता है, ये पोलर फॉर्म, ये सब देख लेना। बाइनोमियल थ्योरम में अगेन बहुत टफ वाले क्वेश्चन नहीं जाना है, लेकिन आपका फॉर्मूला आना चाहिए, राइट, क्वेश्चन ज्यादा नहीं आते हैं। सीक्वेंस सीरीज में क्वेश्चन आ सकते हैं, बट आसान से क्वेश्चन आएंगे, फिर भी ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, पर आपको पढ़ना है। सीक्वेंस सीरीज में स्पेशल आपको ध्यान देना है कहाँ पे, एपी में, एपी और जीपी, राइट, एचपी का मत ज्यादा ध्यान दे सकते हो, बट आप देख लेना, पढ़ लेना अगर आपके पास टाइम है तो। जो मेन चीज आपका अलजेब्रा में ध्यान देना है, दैट इज मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स। यहां से आप, मैं आपको बोल रहा हूँ, यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन इसी से आएंगे, राइट, 2 से 3 क्वेश्चन आप उम्मीद कर लो बिल्कुल इस सेक्शन से ओनली। इनवर्स क्वाड्रेटिक फंक्शन एक क्वेश्चन मान लो, सीक्वेंस सीरीज का मान लो, 3-4 क्वेश्चन मिनिमम आपको मिल ही जाएंगे यहाँ से, राइट। इसके लिए भी आपको 2 दिन का टाइम अच्छा है, क्योंकि 2 दिन आपको लग जाएंगे आप ठीक से रिवीजन करना, क्या पता कि इस बार जो है अलजेब्रा का सेक्शन ज्यादा आ जाए, राइट। यूनिट थर्ड जो हमारे पास में है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जहां से क्वेश्चन आप लोग 6 से 7 एक्सपेक्ट कर ही लो। पहला स्ट्रेट लाइन से, अब स्ट्रेट लाइन लोग पढ़ते हैं, स्ट्रेट लाइन तो मैंने जैसे एक वीडियो आपको एक क्वेश्चन लाया एक वीडियो में लाया हूँ स्ट्रेट लाइन पे, देख लेना, जिसमें कि मैंने क्वेश्चन सॉल्व करा है, तो उनको तो जरूर सॉल्व कर लेना।
अब बात आती है कि स्ट्रेट लाइन तो पढ़ते हैं लोग स्किप क्या कर जाते हैं, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। और वहीं से क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है कि भाई एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन दिया होगा, जो सॉरी मतलब जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री दिया होगा, और बोल देगा कि ये जो है कब कब आपका कब ये स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करता है, कब ये सर्कल रिप्रेजेंट करता है। आपने देखा होगा ना ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई वाला जो जनरल इक्वेशन होता है, प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स, है ना, प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री, इसका डिस्क्रिमिनेंट होता है डेल्टा, है ना, अगर याद हो आपको, ए बी सी प्लस टू एफ जी एच माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर, इसके बेस पे और एच स्क्वायर माइनस ए बी के वैल्यू के बेस पे हम डिसाइड करते हैं कि ये इक्वेशन जो है पैराबोला होगा, इलिप्स होगा, हाइपरबोला होगा, क्या होगा, राइट। तो ये जरूर लगा लेना। सर्कल्स आप होशियार हो, सर्कल जरूर पढ़ना, पैराबोला, इलिप्स एंड हाइपरबोला। इलिप्स एंड हाइपरबोला से एक क्वेश्चन, पैराबोला से एक क्वेश्चन, सर्कल से दो क्वेश्चन, और स्ट्रेट लाइन से एक क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन यहाँ से, चार पांच क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। बट यस, इट इज एआई, सो आप किसी भी चीज़ का प्रॉमिस एकदम मत कर लेना कि ये इतना आएगा ही, इतना ही पढ़ते हैं, पूरा पढ़ना है, राइट। रिविजन कर लो इसको, मेरे पास टाइम रहेगा मैं आपको कराऊंगा, दो दिन मैं इसके लिए भी आपको दे रहा हूँ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी आपको। देखो आप, जिससे बहुत सारे लोगों का कैलकुलस फेवरेबल होता है, तो मन में आया तीन चार दिन कैलकुलस ही लगा लिए, ऐसा मत करना, प्लीज ऐसा मत करना। चौथे दिन फिर अपन लोग आएंगे यूनिट फोर में, हमारे पास में ट्रिग्नोमेट्री है जो कि बहुत अंडररेटेड है, बट क्वेश्चन उतने ही आते हैं, राइट। लोग कहते हैं कि कैलकुलस के बारे में ट्रिग्नोमेट्री को क्यों दे रहे हो, बट क्वेश्चन आते हैं इसमें से। मेनली तीन यूनिट है, एक तो आता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज, जहाँ पे कि टू ए थ्री ए वाला डबल एंगल ट्रिपल एंगल वाले फॉर्मूला, साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी वाला फॉर्मूला, साइन सी प्लस साइन डी वाले फॉर्मूला, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, उसके रिलेशंस, आइडेंटिटीज, उस पर क्वेश्चन बेस। दूसरा आता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे, और फिर आता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे। तो सॉरी, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं, आई वांटेड टू राइट ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, है ना। तो ये चीज आपको दिमाग में रखना है और अच्छे से इसको सॉल्व करना ही करना है, इस पर मिस मत करना, राइट। अब आते हैं आप लोग, इसको भी दो दिन हम लोग देंगे, आठ दिन आपके हो गए। फिर हमारे पास में यूनिट फाइव है प्रोबेबिलिटी एंड स्टैट्स। मैंने, आपने देखा होगा कि अलजेब्रा में मैंने पीएनसी नहीं लिखा है, और स्पेशली उसका इसलिए क्योंकि पीएनसी आप यहाँ पढ़ोगे। अब परमुटेशन कॉम्बिनेशन में स्पेशल आप पढ़ने क्या वाले हो, क्या पढ़ना चाहिए आपको, देखो परमुटेशन कॉम्बिनेशन में आपको लीनियर परमुटेशन में एक तो आप वो पढ़ लेना कि जैसे डिजिट से नंबर फॉर्मेशन, जैसे आपको बोल दिया जाए 0 1 2 4 5, हाउ मेनी थ्री डिजिट इवन नंबर कैन बी फॉर्म, इस तरह के जितने भी क्वेश्चन है ना, इंक्लूडिंग जीरो एंड इंक्लूडिंग विदाउट जीरो, वो वाले क्वेश्चन लगा लेना। रैंक भूलना मत, माई बाप है अपना, है ना, जरूर लगा लेना, आ जाएगा। और उसके बाद जो है आपका सर्कुलर परमुटेशन मत छोड़ना, और बहुत टफ पे नहीं जाना है, राइट, बहुत टफ पे नहीं जाना है, इतना सफिया। कॉम्बिनेशन में सेलेक्टिव जो होता है, जैसे कि मान लो आपको बोल दिया जाए कि एक जगह पे पांच मैन हैं और तीन वुमेन हैं, तो चार लोगों का टीम बनाना है सच दैट तीन मैन हो और एक वुमेन हो, इस तरह का जो क्वेश्चन होता है वो आपको जरूर लगा के जाना है। और फॉर्मूला वगैरह, एनपीआर एनसीआर का रिलेशन, ये सब पढ़ना है। बाकी आप जितना पढ़ लोगे वो इंपॉर्टेंट है, आई एम ट्राइंग टू ड्रॉ योर अटेंशन टुवर्ड्स द इंपॉर्टेंट टॉपिक। प्रोबेबिलिटी कहने को बहुत ज्यादा है बट बहुत टफ नहीं आता है, इसलिए पढ़ जरूर लेना, क्योंकि इसके क्वेश्चन आपको उसमें भी दिख जाएंगे, किसमें, आपके क्या बोलते हैं इसको, एप्टीट्यूड में, राइट, एप्टीट्यूड में भी एक क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का सिंपल वाला आ जाता है। अब स्टैट्स आता है, स्टैट्स में कहोगे सर क्या हम लोग मीन मीडियन मोड वाला पढ़ लें, नहीं भैया वो वाला नहीं, मीन मीडियन मोड का फॉर्मूला वाला पढ़ लेना कि मीन मीडियन मोड में रिलेशन क्या होता है। यहाँ पे आपको बेसिकली वो पढ़ना है कि मीन जो है कॉन्टिन्यूस क्या होता है, पी एक्स डी एक्स, ये आपका मीन होता है, राइट, आपका क्वेश्चन मैं कराऊंगा, प्रीवियस ईयर सॉल्व हो जाएगा। मीन ये हो गया, अब अगर ये कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल के लिए है, अगर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है तो आपका मीन क्या होता है, सिग्मा पी आई एक्स आई, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको जो है ध्यान रखना है, ये आपको सॉल्व करना है। इसके लिए आपको मैं सिर्फ दूंगा एक दिन, और इसको आप लोग सुबह से शाम तक में इसको पूरा रिवाइज कर डालना, राइट। 10 दिन है, उसमें से कौन सा पहले लेना है डिपेंडिंग अपॉन योर स्किल, आपको जो अच्छा लगता है पहले वो उठा लेना। नंबर 6 एंड लास्ट, वेक्टर्स एंड 3D, बहुत इंपॉर्टेंट। वेक्टर्स में आपको देखो एक बॉक्स ए बी सी जीरो होता है ना, कोप्लेनर वेक्टर्स के लिए ए डॉट बी क्रॉस सी वाला, है ना, ये आपका जीरो होता है, करेक्ट। वेक्टर्स का प्रोजेक्शन वगैरह देख लेना, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इसलिए मैंने बता दिया। और आपका ए क्रॉस बी क्रॉस सी वाला देख लेना, ट्रिपल वेक्टर प्रोडक्ट ए क्रॉस बी क्रॉस सी, जिसमें फॉर्मूला लगता है दूर दूर माइनस पास पास, क्या होता है ए डॉट सी इंटू बी माइनस, है ना, मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि बताऊँगा तो आपको ज़्यादा टाइम चला जाएगा। पास पास यानी ए डॉट बी इंटू सी, ये फॉर्मूले जो होते हैं इसे आप लगा लेना। फिर उसके बाद 3D में, 3D में आपको लाइन के बीच का डिस्टेंस, दो लाइन पैरेलल हैं कि नहीं, दो लाइन परपेंडिकुलर हैं कि नहीं, उनके
अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो उनके डायरेक्शन रेशियोज में क्या रिलेशन होगा, डायरेक्शन कोशाइंस क्या होती हैं, ये चीज़ें आप स्पेशली देखोगे। बहुत ज़्यादा मत चले जाना कि यहाँ से रिफ्लेक्शन यहाँ से इंटरसेक्टिंग जा रही है, छोटे छोटे सवाल आपको लगा के जाना है। तो दिस वॉज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन अबाउट द मैथमेटिक्स लेसन गाइज, हाउ टू प्रिपेयर मैथमेटिक्स इन 10 डेज। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, इसको आपको देना है एक दिन फॉर द रिविजन। गाइज याद रखना, ये मैंने वीडियो जो बनाया है वो अब बनाया है 9 फरवरी को, जब एग्जाम आपका 21 फरवरी को है, राइट। तो अगर आपने पहले से पढ़ा हुआ है तो इसी तरीके से रिवाइज करो, और अगर आपने पहले से नहीं पढ़ा हुआ है तो आप इसी तरीके से एग्जाम्पलर उठा के सॉल्व करो। एग्जाम्पलर अगर आपको टफ लगता है एक दिन लगाना, अगर एग्जाम्पलर टफ लगता है तो एनसीईआरटी ही लगा लेना, क्योंकि इस टाइम पे आप कुछ नहीं से कुछ तो करोगे ना, तो वो लगा के। और अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड गुड नाइट। तब तक गाना गाते रहो तो मुझे सोच कर